आज के समय में मीडिया के क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो इसलिए कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो नए चैनल्स खोल रही हैं, रेडियो के चैनल्स आ रहे हैं, प्रिंट में अखबार पत्रिकाएं ये सब बहुत हैं, तो काम के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे मीडिया के क्षेत्र में को हम अगर एक ही तरफ सीमित करके न रखें तो हम इसमें कई और आयाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये क्षेत्र भी जो हैं ये मीडिया के छात्रों को आमंत्रित करते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। व्यावसायिकता को अगर हम इस हद तक अपने ऊपर हावी होने दें जिससे कि पत्रकारों की सोच पे असर पड़े, वो बात गलत होगी। असली पत्रकारिता जो है वो लोगों के बीच से निकलती है, लोगों के समाज के बीच से निकलती है। समाज को हमें भुलाना नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज पहले है, समाज की क्या ज़रूरतें हैं और समाज को क्या खबर देनी है। मीडिया के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान अपनी जगह रखता है और किताबी ज्ञान तो मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, लेकिन एक ज्ञान, किसी भी चीज़ का ज्ञान, वो एक ज़्यादा ऊंची जगह रखता है। ये अक्सर देखा जाता है कि मीडिया के क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं आते हैं वो सीधे उसका व्यावसायिक और उसका व्यावहारिक पक्ष देखते हैं, यानी कैमरा, माइक्रोफोन, एडिटिंग, ये व्यावहारिक पक्ष है, ये केवल यही देखते हैं। इसके अलावा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये सारी बातें हैं, यानी हम सामाजिक पक्ष को पहले सामने रखें। ईआन के कई छात्र छात्राएं जो हैं वो कई समाचार चैनल हैं या मनोरंजन चैनल हैं, रेडियो है, प्रिंट है, सब जगह काम कर रहे हैं, और यहाँ पे छात्र छात्राओं से ज़्यादा मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि छात्र छात्राएं, छात्र तो हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से जो प्रशासनिक माहौल है यहाँ का, और एक वो बड़ा दोस्ताना माहौल है, और एक तरीके से इसके लिए मैं श्रेय देना चाहूँगी यहाँ के एमडी साहब जो अनुज जी हैं, दूसरे प्रिंसिपल जी हैं बंदोपाध्याय सर हैं, और जो डीन हैं वंदना सिंह, ये इन तीनों ने एक एकेडमिक माहौल हो या छात्रों के बीच जो एक सामंजस्य वाला माहौल हो, तो इन दोनों में एक विजन पैदा करने का काम किया है। ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी यहाँ यान के लिए। देखिए, मीडिया डिमांड करता है स्किल की, और स्किल जो है वो एक दिन में पैदा होने वाली चीज़ नहीं होती है। यानी हम अगर ये मान के चलें कि हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढें तो वो उसकी संभावना बहुत ही कम है, बल्कि नहीं है मैं कहूँगी। इसलिए मेहनत करना और लगन के साथ काम करना ये छात्रों के लिए निहायत ज़रूरी है। अधिकतर छात्र ये सोचते हैं कि मीडिया में काम है, हम दो दिन के अंदर जो है वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे, तो ये बात जो है वो कुछ गले से उतरती इसलिए नहीं है, क्योंकि पैसा तो अगर आप में स्किल है, आप में ज्ञान है, आप में वो प्रतिभा है, तो वो अपने आप आएगा, वो आपके पीछे 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 आएगा। ये ऐसा रखना चाहिए अपने आप को कि आप उसके पीछे ना भागें बल्कि पैसा आपके पीछे भागे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेहनत, लगन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी जाएंगे तो मुश्किलें पैदा होंगी, इसलिए बेहतर है कि संस्थान में नियमित रहें और अनुशासित रहें।